हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। S1 कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आज हम लोग एक बार फिर से एक नए टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग भारत के सभी राज्यपाल के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में भारत में 8 राज्यों के राज्यपालों को इधर उधर किया है, फेरबदल हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में जानना अभी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम के लिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग राज्य और राज्यपाल के बारे में जानेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ सभी राज्यों की राजधानी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, सभी राज्यों के राजधानी के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का राज्यपाल कौन है? वो है श्री विश्वभूषण हरिश्चंदन। कौन है आंध्र प्रदेश का राज्यपाल? श्री विश्वभूषण हरिश्चंदन। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश का राजधानी है अभी कहाँ पर? तो अमरावती। कहाँ पे? अमरावती है। ठीक है, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल है ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा। ये जो है अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो बीडी मिश्रा है, जो ब्रिगेडियर थे पहले, जो सेवानिवृत्त हुए हैं और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है आपका ईटानगर। कहाँ है? ईटानगर है। उसके बाद देखिए असम। असम राज्य का राज्यपाल कौन है? तो असम राज्य का राज्यपाल है प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी। कौन है असम राज्य का राज्यपाल? प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी है। ठीक है, और असम का राजधानी कहाँ है? तो असम का राजधानी है दिसपुर। कहाँ है? दिसपुर है। उसके बाद है बिहार। बिहार राज्य का राज्यपाल कौन है? तो है श्री फागु चौहान। बिहार राज्य का राज्यपाल कौन है? श्री फागु चौहान है। और बिहार की राजधानी कहाँ है? तो है पटना। कहाँ है बिहार की राजधानी? पटना है। फिर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ का राज्यपाल है सुश्री अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ का राजधानी कौन है? सुश्री अनुसुईया उइके है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? तो है रायपुर। कहाँ है छत्तीसगढ़ का राजधानी? तो रायपुर है। उसके बाद देखिए गोवा। गोवा का राज्यपाल कौन है? तो गोवा का राज्यपाल है श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन है गोवा का राज्यपाल? श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई है। और गोवा का राजधानी कहाँ है? तो गोवा का राजधानी है पणजी। कहाँ है गोवा की राजधानी? पणजी है। फिर है गुजरात। गुजरात का राज्यपाल कौन है? तो गुजरात का राज्यपाल है श्री आचार्य देवव्रत। कौन है गुजरात का राज्यपाल? श्री आचार्य देवव्रत है। ठीक है, और गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। कहाँ है गुजरात की राजधानी? तो गांधीनगर है। उसके बाद देखिए हरियाणा। हरियाणा का राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा का राज्यपाल है श्री बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का राज्यपाल कौन है? श्री बंडारू दत्तात्रेय है। ठीक है, और हरियाणा का राजधानी कहाँ है? तो हरियाणा का राजधानी है आपका चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़ है। ठीक, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल है श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का दो राजधानी है, एक है धर्मशाला, एक है धर्मशाला और दूसरा है शिमला। ठीक है, एक शिमला है, दूसरा धर्मशाला है। कहाँ का? तो हिमाचल प्रदेश का। फिर उसके बाद है झारखंड। झारखंड का राज्यपाल है श्री रमेश बैस। झारखंड का राज्यपाल कौन है? श्री रमेश बैस है, जो अभी इसको क्या किया गया, नियुक्ति बदला गया है। ये रमेश बैस पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे। रमेश बैस पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे, अब और झारखंड में कौन थे? झारखंड में पहले थे श्री श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जिनको हटा करके झारखंड का राज्यपाल श्री रमेश बैस को बनाया गया है। ठीक है, झारखंड का राजधानी कहाँ है? तो झारखंड का राजधानी है रांची। कहाँ है झारखंड की राजधानी? रांची है। उसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक का राज्यपाल है श्री थावरचंद गहलोत। कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक का राज्यपाल है श्री थावरचंद गहलोत है। ठीक है, और कर्नाटक का राजधानी कहाँ है? तो कर्नाटक का राजधानी है बेंगलोर। कहाँ है? बंगलुरु। ठीक है, उसके बाद है केरल। केरल का राज्यपाल कौन है? तो केरल का राज्यपाल है श्री आरिफ मोहम्मद खान। केरल का राज्यपाल कौन है? तो श्री आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, और केरल का राजधानी कहाँ है? तो केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल है।
ठीक है। और मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल है। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है, भोपाल है। और मध्य प्रदेश का अभी राज्यपाल कौन है, श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। फिर है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है, तो महाराष्ट्र का राज्यपाल है श्री भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का अभी राज्यपाल कौन है, तो श्री भगत सिंह कोश्यारी है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ठीक है। उसके बाद है मणिपुर, मणिपुर का राज्यपाल कौन है, तो मणिपुर का राज्यपाल है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर का राज्यपाल कौन है, तो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला है, ठीक है। और मणिपुर का राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर का राजधानी है इम्फाल। मणिपुर का राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। फिर उसके बाद देखिए मेघालय, मेघालय का राज्यपाल कौन है, तो मेघालय का राज्यपाल है श्री सत्यपाल मलिक। कौन है, मेघालय का राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक है। और मेघालय का राजधानी कहाँ है, तो मेघालय का राजधानी है शिलोंग। कहाँ है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। उसके बाद है मिजोरम, मिजोरम का राज्यपाल अभी कौन है, तो मिजोरम का राज्यपाल है डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। कौन है मिजोरम का अभी राज्यपाल, डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति, ठीक है। और मिजोरम का राजधानी कहाँ है, तो मिजोरम का राजधानी है आइजोल। कहाँ है मिजोरम का राजधानी, तो आइजोल है। उसके बाद देखिए नागालैंड, नागालैंड का अभी राज्यपाल कौन है, तो नागालैंड का राज्यपाल है श्री आर एन रवि। कौन है, आर एन रवि है, ठीक है। और नागालैंड का अभी राजधानी कहाँ है, नागालैंड का राजधानी है कोहिमा। कहाँ है नागालैंड का राजधानी, कोहिमा है। फिर देखिए ओडिशा, तो ओडिशा का भी राज्यपाल कौन है, तो ओडिशा का राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल। ओडिशा का अभी राज्यपाल कौन है, तो प्रोफेसर गणेशी लाल है, ठीक है। और ओडिशा का राजधानी कहाँ है, तो ओडिशा का राजधानी है भुवनेश्वर। कहाँ है ओडिशा का राजधानी, तो भुवनेश्वर है। फिर देखिए पंजाब, उसके बाद है पंजाब, पंजाब का भी राज्यपाल कौन है, तो पंजाब का भी राज्यपाल है श्री वीपी सिंह बदनौर। कौन है पंजाब का भी राज्यपाल, तो श्री वीपी सिंह बदनौर है, ठीक है। और पंजाब का राजधानी कहाँ है, तो पंजाब का राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। चलिए उसके बाद है राजस्थान, राजस्थान का भी राज्यपाल कौन है, तो राजस्थान का भी राज्यपाल है श्री कलराज मिश्र। कौन है राजस्थान का राज्यपाल, श्री कलराज मिश्र है। और राजस्थान का राजधानी कहाँ है, तो राजस्थान का राजधानी है जयपुर है। कहाँ है, जयपुर है। उसके बाद देखिए सिक्किम, तो सिक्किम का अभी राज्यपाल कौन है, तो सिक्किम का अभी राज्यपाल है श्री गंगा प्रसाद। सिक्किम का राज्यपाल कौन है, तो श्री गंगा प्रसाद है, ठीक है। और सिक्किम का राजधानी कहाँ है, तो सिक्किम का राजधानी है गंगटोक। कहाँ है, तो गंगटोक है। उसके बाद देखिए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का अभी राज्यपाल कौन है, तो तमिलनाडु का अभी राज्यपाल है श्री बनवारी लाल पुरोहित। कौन है तमिलनाडु का अभी राज्यपाल, तो श्री बनवारी लाल पुरोहित है, ठीक है। और तमिलनाडु का भी राजधानी कहाँ है, तो है चेन्नई। कहाँ है तमिलनाडु का राजधानी, चेन्नई है। उसके बाद है तेलंगाना, तेलंगाना का भी राज्यपाल कौन है, तो तेलंगाना का राज्यपाल है डॉक्टर तमिल साई सौंदरराजन। तेलंगाना का भी राज्यपाल कौन है, तो डॉक्टर तमिल साई सौंदरराजन है। और तेलंगाना का भी राजधानी कहाँ है, तो है हैदराबाद। कहाँ है, हैदराबाद है। उसके बाद देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा का भी राज्यपाल कौन है, तो त्रिपुरा का भी राज्यपाल है श्री सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा का भी राज्यपाल कौन है, तो श्री सत्यदेव नारायण आर्य। पहले यहाँ का राज्यपाल कौन था, तो पहले था रमेश बैस, ठीक है, जो अभी रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। और अभी त्रिपुरा का राज्यपाल किसको बनाया गया है, तो श्री सत्यदेव नारायण आर्य को, ठीक है। त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है, तो त्रिपुरा का राजधानी है अगरतला। कहाँ है, अगरतला, ठीक है। देखिए फिर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल कौन है, तो उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल है श्रीमती आनंदी बेन पटेल। कौन है उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल, श्रीमती आनंदी बेन पटेल, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ। कहाँ है उत्तर प्रदेश का राजधानी, लखनऊ है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का अभी राज्यपाल कौन है, तो उत्तराखंड का भी राज्यपाल है श्रीमती बेबी रानी मौर्य। कौन है, श्रीमती बेबी रानी मौर्य है। और उत्तराखंड का अभी राजधानी कहाँ है, तो है देहरादून। कहाँ है, देहरादून है, वो भी उत्तराखंड का राजधानी, ठीक है। फिर है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का भी राज्यपाल कौन है, तो है श्री जगदीप धनकर। कौन है, श्री जगदीप धनकर है। और पश्चिम बंगाल का भी राजधानी कहाँ है, तो हाँ कोलकाता है। कहाँ है, कोलकाता है, ठीक है।
तो इस वीडियो में हम लोग 28 राज्यों के राज्यपाल और वहाँ के राजधानी के बारे में देखी। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।